पोकरण से नैया की ढाणी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रहवासी मकान में करंट फैल गया और घर में काम रही महिला करंट की चपेट में आ गई, जिस वजह से इस महिला की मौत हो गई। एक महिला व 5 साल की मासूम बुरी तरह से झुलस गई। घर में करंट फैलने से घरेलू उपकरण भी राख हो गए। विद्युत विभाग की लापरवाही मानी जा रही है इस करंट फैलने का बड़ा कारण। परिजनों ने विभागीय लापरवाही के कारण सांकड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई और विभाग को पाबंद कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग भी रखी है। तो आपको पोकरण से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मकान में करंट फैलने से वहां काम कर रही एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची झुलस गई। घर वालों ने विद्युत विभाग की लापरवाही इस हादसे का कारण बताया और मुआवजे की मांग की है। बड़ी खबर है ये, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक मकान में करंट फैल गया। करंट फैलने से वहां काम कर रही एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची झुलस गई। रहवासी मकान में करंट फैल गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गिरिराज, कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? जी शालिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोकरण के जो आसपास में जो नाइयों की ढाणी है, यहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पूरे घर के अंदर करंट फैल गया। उस घर के अंदर महिला, उसके बच्चे, उसकी और भी जो परिजन थे वो बैठे थे और इस दौरान करंट इस कदर फैल गया कि दीवारों के अंदर और जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उस पर करंट फैल गया, जिसकी वजह से दीवार के चटकर वो बैठे थे, जिसकी वजह से एक 30 वर्षीय महिला उसी करंट से दर्दनाक उसकी मौत हो गई। वहीं 5 साल की मासूम भी करंट की चपेट में आ गई और एक और अन्य महिला भी है जो करंट की चपेट में आ गई है। जी गिरिराज, ये जो मकान है इसमें जो इलेक्शन था ये सब बिल्कुल सरकारी रूपरेखा के हिसाब से लिया हुआ था या कुछ इसमें अवैध कनेक्शन था? कैसे इस तरह से कैसे हो गया कि अर्थिंग होने की बजाय पूरे घर में ही करंट फैल गया? जी बिल्कुल, परिजनों से जब बात हुई तो परिजनों ने बताया कि जो घर के पास में ही ट्रांसफार्मर लगा है उसके ऊपर जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो विद्युत सप्लाई को जो कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो इक्विपमेंट नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से कई बार पहले भी ये मतलब करंट ऐसा फैला है। उसके लेकर उन्होंने विभाग को भी इसके लेकर सूचित करवाया, परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से आज पीड़ित परिवार पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। जी गिरिराज, क्या कोई स्टेटमेंट आया विद्युत विभाग की तरफ से? अब इतनी बड़ी बात सामने है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरह के गैजेट्स नहीं थे जो कंट्रोल कर लेते, कोई स्टेबलाइजर नहीं था, तो क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, अभी इसको लेकर सांकड़ा पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है परिजनों की तरफ से और विभाग ने भी वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया है, परंतु विभाग की लापरवाही की वजह से आज एक पूरा परिवार वहां पर सदमे में है और महिला की मौत हो चुकी है, एक 5 साल की मासूम भी झुलस गई है, एक अन्य महिला भी वहां पर गंभीर रूप से झुलसी है। ये जो बच्ची घायल हुई झुलस गई है इसकी क्या स्थिति है फिलहाल गिरिराज? फिलहाल इसको पोकरण अस्पताल लेकर आया था, वहां से प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि इसको समय रहते वहां से उसके परिजनों ने वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जी गिरिराज, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कोई विद्युत विभाग के अधिकारी आए घर पर चेक किया कि कहां से करंट आया, किस तरह से इसको अब रोका जा सकता है, क्या स्थिति है घर में? जी बिल्कुल, विभागीय जो अधिकारी है वो फिलहाल एक बार मौका मुआयना करके गए, परंतु बड़े अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा है और जहां पर एक अपन देखे तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों को करंट लगा, जिससे एक की मौत हो गई, 2 झुलस गए। विभागीय अधिकारी जो बड़े अधिकारी जो जैसलमेर में बैठते हैं उनसे बात करके ही यहाँ कुछ सुरक्षा के साथ पहुंचे, क्योंकि परिजनों में भी रोष है इसको लेकर, क्योंकि पहले उन्होंने सूचित किया था बावजूद इसके किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकला है। जी गिरिराज, आसपास जो मकान है ये हादसा तो इसका मतलब कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई तो शायद पूरे एक एरिया में हो रही होगी, तो क्या कुछ अब प्रिकॉशन लिए, क्या कुछ अब समाधान या सावधानी बरती है बिजली विभाग ने, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों का और परिजनों का कहना है कि क्षेत्र के अंदर विभागीय लापरवाही के चलते कहीं जगह पर अवैध कनेक्शन दे रखे हैं, जिसकी वजह से विद्युत वोल्टेज हाई और कम होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे हमेशा होते रहते हैं, परंतु कुछ हादसे छोटे होते हैं, इसलिए परिजन भी है जो इसको लेकर, जो ग्रामीण भी है इसको लेकर विभागीय अधिकारी तक पहुंचते, परंतु सुनवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत गंभीर बात है और ये घर वाले जो है अब ये एक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस बारे में?
जी बिल्कुल, इन्होंने सांगरा थाने में एक एप्लीकेशन भी दी है जिसको लेकर इन्होंने जानकारी दी है कि विद्युत विभाग को पाबंद किया जाए और जो ये समस्या क्षेत्र में निरंतर चलती आ रही है इसको लेकर रोका भी जाए और जो परिवार के जो जिसकी महिला की मौत हुई है उसको लेकर आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए परिवार जी, के उपकरण भी जल गए। बिल्कुल, वाकई ये बहुत ही गंभीर और दर्दनाक हादसा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।